तो भाई ठंड काफी लग रही है, ठंड बढ़ती जा रही है, पता नहीं क्यों मुंह से भी धुआं निकल रहा है। तो गाइज अभी मैं बिल्कुल नदी के बीचों बीच में खड़ा हूँ, देख सकते हो आप। गाइज साइकिल तो यहाँ खड़ा दिया किसी के घर में, देखते हैं कोई चक्के ना ले जाए। तो भाई एक गड़बड़ होगी, यहाँ कुत्ता है एक और मुझे देख देख के भौंकी जा रहा है। हेलो 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 गाइज, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यानी विशु व्लॉग्स में। तो गाइज जैसे आपको स्टार्टिंग में एक क्लिप नजर आई होगी मेरी वीडियो में, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि ये वीडियो किस तरीके की रहने वाली है। तो ये वीडियो काफी मजेदार रहने वाली है, मैं बता देता हूँ आपको। बात कर लेते हैं हम लोकेशन की, लोकेशन हमारी कैसी रहने वाली है और किस जगह पे जाने वाले हैं। तो मैं नाम तो बता नहीं सकता किस जगह पे जाने वाले हैं क्योंकि उस लोकेशन का नाम ही नहीं है, पर आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि लोकेशन कैसी है कैसी नहीं है। लेक है, काफी बड़ा लेक लग रहा है मुझको। तो ये हमारा नहान वाले रोड पे पड़ेगा, लास्ट गाँव हमारा बदहोर टोन है, बदहोर टोन को एक लास्ट गाँव है। तो पहाड़ी इलाका है आप देख सकते हो, तो इस जगह पे जाके ही पता चलेगा हमको कैसी जगह है कैसी नहीं जगह है। तो अगर आपको पता करना है कि ये जगह कैसी है कैसी नहीं है तो आपको वीडियो तो एंड तक ऑफ कोर्स देखनी ही पड़ेगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करना, मैं बार बार नहीं कहूंगा या बीच में वीडियो में कहूंगा। और अगर आप नए हो मेरे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, कर लो यार, मैं हूं क्या वहां दबाने सब्सक्राइब का बटन, नहीं आ सकता मैं, तो सब्सक्राइब कर लेना। और क्या कर सकते हो आप, अगर आप कुछ भी बताना चाहते हो या कुछ मेरी गलती वगैरह कुछ भी, तो कमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है, बिल्कुल फ्री है। और इंस्टाग्राम का भी मैंने लिंक दे रखा है, वहां मैं स्टोरी वगैरह डालता रहता हूं, तो वहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, मे भी आपको फॉलो बैक मिल सकता है, मिलेगा जरूर। अगर नहीं मिला तो आप क्या करोगे, अनफॉलो कर लोगे अगर मेरी प्रोफाइल अच्छी नहीं लगी। वैसे मैं काफी मेंटेन रखता हूँ इंस्टाग्राम पे, थोड़ा बहुत एक्टिव भी रहता हूँ, तो वहां पर आप जाके फॉलो कर सकते हो। बाकी मैं आपको सबेरे मिलूंगा, सुबेरे भी देख लेना किस टाइम मिलूंगा किस टाइम नहीं, अभी कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि सुबेरे ठंड भी बहुत पड़ने वाली है। तो गाइज अभी तो हिमाचल प्रदेश बॉर्डर से थोड़ी सी पीछे हम 15 किलोमीटर पीछे होंगे, त्रिलोकपुर मोरनी और पंचकुला तो इधरली साइड है। तो गाइज अभी मैं बिल्कुल नदी के बीचों बीच में खड़ा हूँ, देख सकते हो आप। तो फाइनली काफ़ी देर के बाद अब हो रही है हमारी मुलाकात। तो अभी मैं घर से निकला था 7:50 के करीब निकला था और अभी 11 बजने वाले हैं और मैं पहाड़ी इलाके में आ चुका हूँ पूरे, देख सकते हो। अभी ऊंचाई सी पे चढ़ रहा हूँ मैं ऊपर साइकिल लेके, तो काफ़ी थकावट। ओहो क्या व्यू आ रहा है वहाँ का, अगर काश DSLR होता रहा तो मज़ा ही आ जाता। अभी नदी के बीचों बीच में खड़ा हूँ, ऐसी थी सुबेरे, इतनी ठंड हो रही थी, मतलब कि सुबेरे ना जेबों में से हाथ निकल रहे थे, फ़ोन तक छूने तक का मन नहीं कर रहा था और काफ़ी ज़्यादा धुंध पड़ रही थी सुबेरे सुबेरे। तो मैंने वीडियो बनाई नहीं कुछ, ऐसी डर डर के साइकिल चला रहा था, ट्रक ट्रुक से गुजर रहे थे तो इस करके वीडियो बना नहीं पाया। तो अब धुंध काफ़ी कम हो चुकी है और सूरज भी पीछे कभी नज़र आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, बादल आए हुए हैं तो इस कारण से। तो आपको व्यू दिखाता हूँ एक छोटा सा, तो गाइस पहाड़ के ऊपर चढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है। अब आगे पता नहीं क्या बुरा हाल होने वाला है मेरा, ये ऊपर की तरफ जा रहा है रोड। हाँ हार्दिक स्वागत तो है भाई ये पहाड़ के ऊपर। तो गाइस यहाँ तो बंदर भी नज़र आ रहे हैं,
फ़ोन भी अब मुझे संभाल के रखना पड़ेगा कि मेरा काम हो जाए फ़ोन का। अभी पीछे बंदर लग गए थे मेरे, तो अभी तो काफ़ी आगे जाना है, पहाड़ इधरली साइड है, इधरली साइड तो इधर ही जाना है। और देखते हैं आगे लेक कितना बढ़िया निकलता है कितना नहीं। तो छोटे मोटे पहाड़ों पे तो आ ही रहे हैं, ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। गाइस साइकिल तो यहाँ खड़ा दिया किसी के घर में, देखते हैं कोई चक्के ना ले जाए। तो बात कुछ ऐसी है, यहाँ के लोगों ने घेर लिया और मुझको समझ रहे हैं कि भाई मैं वीडियो बनाऊँगा यहाँ से, और कोई मैं मीडिया मूडिया वाला हूँ, तो उन्होंने कुछ अलग ही समझ लिया। गाँव के तो लोग हैं ही, तो पीछे पड़ गए कि हाँ भी तुमने ये बताना है उसका पाइप ठीक नहीं है, कुछ पानी रुकता है, कभी पानी बाहर आ जाता है 2 इंच ऊपर। इसने तो मतलब इन लोगों ने पता नहीं क्या समझ लिया मैं क्या बनाने आया। मैं समझा भी रहा कि मैं तो अंकल सिंपल वीडियो बनाने जाऊंगा, आप क्या उम्मीद लगा के बैठ रहे हो, तो कुछ अलग ही समझ रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल मैंने उनके बाड़े के अंदर साइकिल खड़ाई है, बाड़ा कहते हैं डंगरों का। तो वहाँ वो कह रहे बेचिंतों के ले जियो साइकिल, ऐसी कोई वैसी बात नहीं है। तो अभी तो मैं नदी के अंदर हूँ, देख सकते हो। तो पहाड़ अभी मैं काफ़ी आगे आ चुका हूँ, पीछे चुन की जगह दिखाता हूँ अभी, रुको आपको। तो ये देखो, ओ भाई साहब रेता, यहाँ से रेता रुकता चक्के होंगे ना। शुक्र मैं साइकिल नहीं लेके आया हूँ उन लोगों के कहने पर, तो ठीक था। उन्होंने कहा था साइकिल नहीं जाएगी यहाँ पर, पैदल जितना मर्जी का, ये पानी आ भी रहा है। तो भाई ये गड़बड़ होगी, यहाँ कुत्ता है मुझे देख देख के घूम जा रहा है। तो भाई अब समझे मैं पहले क्यों वीडियो बना रहा था, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो भाई अभी तो ऊपर चढ़ना है, काफ़ी जगह तो सब पता चल गई उसको, क्योंकि नदी नदी के कराने साइड से ही होकर जाना है। अभी देखते हैं किधरली साइड है, क्योंकि जगह बंद पड़ी है पूरी। तो थक गया यार, साइकिल भी इतनी दूर चला के आया मैं, 40 किलोमीटर से भी आगे, और आगे मुझे पता ही नहीं था कि रास्ता है या नहीं है। और यहाँ मुझे क्या पता था यहाँ चढ़ाई करनी पड़ जाएगी, तो किधर से जाऊँ अब, इधर से। ये देखो यार झाड़ियाँ झूड़ियाँ, काफ़ी आगे जाना है अभी, और 2-3 किलोमीटर दूर ना, 2-3 तो नहीं होएगा, 1.5 किलोमीटर दूर है। पीछे वाला ही दिमाग में याद है 1-2-3 किलोमीटर दूर। और भाई वो कुत्ता था ना जो पीछे लग गया था मेरे मेरे पास आके मुझे सूंघने लग गया, और वो अंकल का ही कुत्ता था। अंकल वहाँ गाय गुएँ चुगा रहा था ना, मतलब कि वहाँ बैठा हुआ था गाय गुओं के साथ, तो कह रहे वो कुछ नहीं कहेगा। अबे भाई साहब पानी पानी है यार, थोड़ा थोड़ा आता होएगा यहाँ पे पानी, पर अंकल ने कहा अभी तो नहीं आएगा, बारिशों के टाइम आता है, अभी तो कोई चांस ही नहीं है पानी आने का। पर भाई यहाँ पर कोई भी नहीं है, कोई भी। भाई साहब ऊपर जाना है, जगह देख सकते हो, अभी कंडे कट गए थे पैर के अंदर। यार वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अगर आपने यहाँ तक देख भी लिए है, तो अगर आप एंड छोड़ के जाओगे ना, तो आपकी गलती होगी। क्योंकि डैम वो काफ़ी ठीक है, मैं सोच रहा था कोई लेक लूक है, पर वो डैम है, पानी स्टोर कर रखा है उसके अंदर, तो वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। और बहुत पुराना डैम है वो, काफ़ी ज़्यादा पुराना, तो कभी कभार उस डैम से यहाँ पानी छोड़ देते होंगे, नदी है, तो मैं नदी के किनारे जा रहा हूँ। एक मात्र ये रास्ता था, और यहाँ कीचड़ हो रखा है। ओ भाई साहब जंगल पड़ा है पूरा, ऐसे लग रहा है कोई नेटफ्लिक्स की शूटिंग पे आया हूँ, जैसे नेटफ्लिक्स के पहाड़ होते हैं ना वैसे से ही। किधर से अब रास्ता भाई साहब, देखो रास्ता ब्लॉक, अब दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। ओ भाई निकल गया, पानी पूनी इकट्ठा हुआ है बीच में, 20 मिनट से चल रहा हूँ, अब तक 1 किलोमीटर खत्म ही नहीं होने में आ रहा, जितना भी था ये 1-2 किलोमीटर का रास्ता। और भाई यहाँ पर सही बताऊँ बंदर भी हैं, और बंदरों से भी मुझे काफ़ी डर लगता है, कभी भी मुंह पे झपट्टा मार सकते हैं। चश्मा भी पाया हुआ है और मैंने, कहीं चश्मा चुश्मा ना ले जाए मेरा। बड़ी डरावनी प्लेस है, फिसलन वाले पत्थर है, क्योंकि कीचड़ चिपका हुआ है इन पे, और मैं गंदा नहीं होना चाहता। बाकी तो कोई ख़तरा नहीं है यहाँ पर, बस
किचन है। मोबाइल वीडियो में आपको चाहे नज़र आ रहा हो चाहे ना आ रहा हो, पर मुझे पता है यहाँ का हाल क्या है। ओ भाई साहब, ये क्या चीज़ है। तो आज डैम यहाँ से स्टार्ट होने वाली है शायद। अगर आप अकेले आ सकते हो ना, जितनी हिम्मत है सब निकल जाएगी यहाँ। अभी जो मुझे डर लग रहा है ना जिस हिसाब का, क्योंकि मेरे साथ कोई भी बंदा नहीं है, वो मैं ही जान सकता हूँ। और भाई बहुत ऊंचाई है, पटों में अभी जान निकल चुकी है मेरी। ओहो हाय, ऊंचाई बहुत है भाई। तीन बार ही ऐसा काम कर चुका हूँ, मतलब कि ऐसी चढ़ाई आ चुकी है। ये क्या चीज़ है, ये देखो ये डैम का रास्ता। मैंने कहा ना पुरानी है, अंग्रेजों के टाइम से भी पुरानी डैम बन चुकी है वो, तो इस करके। ओहो हो हो हाँ। ओ गाइस, जिस डैम का मैं ये सब कुछ इंतज़ार कर रहा था, तो वो डैम मेरे आँखों के सामने है बिल्कुल। तो ये है जिसमें अभी पानी कम है, पर ये डैम है काफ़ी बड़ी है। वो वहाँ तक जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं ना, उनसे भी दूर है ये। तो छोटा सा गोला पीछे तक डैम बन रखी है, तो देखने में तो काफ़ी बड़ी डैम है। फोन में चाहे बेशक आपको छोटी लगेगी, पर काफ़ी बड़ी है। ये काफ़ी पानी कम है यहाँ। वो जो रास्ता दिख रहा है ना, वो पीछे तक भरी हुई होती है डैम, जिससे जब ये भर जाती है तब इसको नदी में छोड़ा जाता है। इसके रास्ते देखो, ये है वो रास्ता। मैंने उससे सारा पता ले लिया था ना, तो बता दिया। तो इस रास्ते से छोड़ा जाता है, तो जो तो पानी नज़र आ रहा था, जब पानी नज़र आ रहा था, तो कोई यहाँ से निकाला जाता है, बंद भी करते हैं और वो रास्ते आते पत्थर पुत्थर लगा के, ताकि पानी ना आ सके। बारिश बुरिश के टाइम पे चलो निकल जाता है। तो ये डैम है, और ये काफ़ी पुरानी डैम है, कही जाती है अंग्रेजों के टाइम की डैम है। वाह क्या नज़ारा है। देखो यार, जब छोटे मोटे सपने आते हैं ना कि कुछ अलग टाइप से का करना है, तो कर लेना चाहिए। अभी मैं हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर से थोड़ी सी पीछे हूँ। हिमाचल प्रदेश बस सामने ही दिख रहे हैं, ये पहाड़ दिख रहे हैं ना, जो इसको काफ़ी हिमाचल प्रदेश के पहाड़ दिखने साथ। अभी मैं डैम में खड़ा हूँ, ये देखो ये डैम का रास्ता ये है। और अभी बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। तो गाइस, वीडियो अभी यहाँ पर ख़त्म होने जा रही है। मैं वापस आ चुका हूँ उस डैम वाले इलाके से, और अभी पहाड़ों से नीचे उतर रहा हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हो ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। चाहे अभी आपको 100% में से 30-40% भी एंटरटेन कर पाया ना, तो भाई भरोसा करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि यार देखो, सब्सक्राइब के अलावा और कुछ भी नहीं आए, और क्या ही कह सकता हूँ आपको। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अगर कुछ बताना चाहते हो। वैसे तो आप करोगे या नहीं करोगे पता नहीं, और हाँ अगर हो सके, क्योंकि यार मैं आप पे कितना वजन डाल रहा हूँ, शेयर भी कर देना आगे। और क्या ही बोलूँ, अभी नदी के किनारे निकल रहा हूँ। ओह टेरी बच गया, चलो कोई बात नहीं, बस इतना ही। काफ़ी नीचे आ चुका हूँ। ओ भाई साहब, जंगली इलाका। तो मोर कह रहा मैं, ये बंदर ना भाई जान निकाल देंगे मेरी, इतना शोर मचा देते हैं ना एकदम से, जैसे इनके इलाके में कोई डाकू बढ़ गया और इनको किडनैप करने जा रहा है, डरा दिया। तो अभी मैं बस ज़्यादा बोलूँगा नहीं, मैं चुपचाप से निकल रहा हूँ। डर लग रहा है भाई, सच्ची मुच्ची वाला डर। तो बस इतना ही, बाय बाय। और प्लीज़ इस बार यार वीडियो पे लाइक ज़रूर कर देना, आप करते नहीं हो। 30 लाइक का टारगेट है, कर देना, और क्या। चलो बाय बाय। फ़ोन में देखूंगा ना, गिर जूंगा मैं, सही बता रहा। और साफ सीधी बात है, हड्डी टूटेगी और कुछ नहीं टूटने वाला। बंदर लग गए। गाइस मैं उन पहाड़ियों से आया था, जो टावर दिख रहा है वहाँ ऊपर गया था, और नीचे उतर के वहाँ पर मैंने डैम देखा था।